गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट कहानी। एटॉमिक मास यूनिट कहाँ से आई और इसका क्या स्कोप है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो एटम एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। 17th century में 18th century में इसको देखना इम्पॉसिबल काम था। बाद में दो माइक्रोस्कोप डेवलप किए गए जिसमें एक माइक्रोस्कोप का नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको STM जानते हैं। तो हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको TEM के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप AFM। इन तीनों की हेल्प से हम एटम का डायग्राम बना सकते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट की कहानी कहाँ से बनी और कहाँ तक गई हम देखते हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे अच्छी वीडियो जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि AMU क्या होता है, U क्या होता है और ग्राम क्या होता है और इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया और कोई एटम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जितने टाइम्स हैवी होता था उसको उसका एटॉमिक वेट मान लेते। यहाँ पर हम लिखे वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और ऊपर लिख देंगे वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। पर क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम था वो अनस्टेबल था तो बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन 16 को स्टैंडर्ड बनाया गया। और जब ऑक्सीजन 16 स्टैंडर्ड बनाया गया ये वाला फॉर्मूला जो था वो बदल कर हो गया वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट और नीचे आ गया 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। बाद में इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया और इसको डिस्कार्ड करने का बेसिस क्या था। इसका बेसिस ये था कि हाइड्रोजन के एक एटम का वेट 7-8 के आसपास था लेकिन जब हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट से ये निकालते थे तो हाइड्रोजन के वेट से काफी डिफरेंट आता था और वो वेट आता था 0.99 जो हाइड्रोजन से मैच नहीं करता था। तो बाद में फर्दर हमने कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड इसलिए माना क्योंकि कार्बन का आइसोटॉप्स स्टेबल था इजीली अवेलेबल था। इस रीजन की वजह से हमने कार्बन 12 को आइसोटॉप्स माना। तो हम चलते हैं आगे देखें। अब जब कार्बन 12 को हमने अपना रेस्पेक्ट बनाया तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू वन एटम ऑफ कार्बन 12 और इसी को AMU माना। अब कार्बन के वन एटम का वेट कैसे निकाला, कार्बन के वन एटम का वेट निकालने के लिए हमने मास स्पेक्ट्रोमीटरी का हेल्प ली या मास स्पेक्ट्रोमीटर का हेल्प लिया और कार्बन 12 का वेट उससे आया 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। इसको एवोगाड्रो नंबर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि 6.023 × 10⁻²⁰ एटम का वेट 12 ग्राम है तो वन एटम का वेट कितना होगा, ये हो जाएगा 12/6.023 × 10⁻²⁰। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये अप्रोक्स आ गया 1.99 × 10⁻²⁰ जो रिजल्ट के बहुत ही क्लोज था। मतलब दोनों रिजल्ट एक दूसरे को
टैली कर रहे थे। तो अब हमने यहाँ पर जब वन एटम ऑफ कार्बन 12 रखा और इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर जब हमने रखा 1.99 × 10⁻², और 1/12 से डिवाइड किया, तो ये वेट अप्रोक्स, ठीक है ना, ये जो वेट था हमारा अप्रोक्स 1.66 × 10⁻²⁴ आ गया, ठीक है। तो 1 AMU को इक्वल टू क्या हो गया, 1 AMU इक्वल टू हो गया 1.66 × 10⁻²⁴, जो हाइड्रोजन के वेट के बहुत ही करीब था और स्टेबल एलोट्रॉप्स था, इसलिए हमने इसको मान लिया AMU। अब AMU को डिफाइन कैसे करेंगे, AMU को हम डिफाइन करेंगे कि 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब कार्बन के एक एटम के वेट को अगर हम 1/12 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बाद में एटॉमिक मास यूनिट को यू से या डाल्टन से रिप्लेस कर दिया गया, यू को हम रिड्यूस मास कहते हैं या डाल्टन मास कहते हैं। तो यू और AMU एक ही बात। हम पढ़ते हैं अब इसमें टेक्निकल बात, जो हमें कॉम्पिटिटिव में या MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम काम आती है, कि हम आखिर इसके क्वेश्चन करें कैसे। ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में AMU दिया हुआ है या U दिया हुआ है तो वो एक एटम की बात कर रहा है, और अगर ग्राम में दिया हुआ है तो वो एक मोल की बात कर रहा है। इस बात को मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ। जैसे उसने हमें 16 AMU दे दिया, 16 AMU का मतलब है, 16 AMU मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के सिंगल एटम का वेट AMU है। अब मोस्टली हम क्या करते हैं कि AMU की जगह पर फ्रीक्वेंटली ग्राम में रिप्लेस कर लेते हैं, एक्चुअल में वो ग्राम ऐसे नहीं आता। वो कैसे आता है, ध्यान से देख, मैं 16 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 16 × AMU इक्वल होता है 1.66 × 10⁻², और जब मैं इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ × 10⁻²³, तो ये 16 ग्राम आ जाए। तो लोग बाग क्या करते हैं, 16 AMU की जगह पर फ्रीक्वेंटली ग्राम का यूज कर लेते हैं, जो इक्वल आता है, लेकिन ये एक एटम का वेट है और ये ग्राम में अगर गिवन है, अगर ग्राम में गिवन है तो ये 1 मोल की बात कर रहा है। जैसे वो हमसे कहे 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, तो 16 ग्राम में होंगे 6.023 × 10⁻²³। लेकिन अगर उसने हमें 16 AMU और यू कहा तो इसका मतलब है एक एटम। जो हमने यहाँ पर सीखा है उसे हम एक NCERT के एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो सीखा है वो सही है। तो फिर से बताता हूँ, अगर AMU या U कह रहा है तो एक एटम की बात कर रहा है, और उसी को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो वो 1 मोल हो जाएगा, वो एवोगाड्रो नंबर की बात कर रहा है। तो हमारे पास है NCERT का एक एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम देखेंगे इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है और उसमें वो कह रहा है, उसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, 52 U हीलियम में कितने एटम होंगे, और ये NCERT का 33 नंबर का 11th क्लास का क्वेश्चन। तो 52 U हीलियम कंटेन की हाउ मैनी एटम, 52 U हीलियम में कितने एटम होंगे,
हमें बताया कि हीलियम का मास फोर होता है, तो फोर यू में एक एटम होगा, तो बताओ 52 U में कितने एटम होंगे? 1 × 52 / 4 बराबर 13 एटम होंगे। क्लियर है? अब उसी में अगले क्वेश्चन में वो कहता है 52 ग्राम में कितने एटम हो। तो मैं इसको वापस से आपको समझा देता हूं, आपको फिर से। वो हमको कहता है 52 U हीलियम कंटेन हाउ मेनी एटम। तो यू का मतलब है कि वो एटम की बात कर रहा है, तो हीलियम के एक एटम का यू में वेट होता है 4, तो 4 U बराबर 1 एटम। तो 52 U कंटेन 1 × 52 / 4 = 13 एटम होंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 52 U की जगह अब उसने ग्राम लगा दिया। अब जब ग्राम लगा रहा है तो ये 1 मोल की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं कि 4 ग्राम हीलियम में, देखो ग्राम आ गया, तो ग्राम है तो एवोगाड्रो नंबर की बात कर रहा है, तो 4 ग्राम में कितने एटम होंगे? 6.023 × 10^23। अब 52 ग्राम में कितने होंगे? तो 52 ग्राम में हमारे एटम हो जाएंगे 6.023 × 10^23 × 52/4। 4 से ये 13 टाइम्स चला जाएगा, तो 13 Na एटम आंसर। तो यहां पर हमने यू एमयू ए की बात है, और जब भी एमयू या यू दिया हो तो समझ जाओ सिंगल एटम की बात कर रहा है, और अगर ग्राम में दिया हुआ है तो फिर वो मोल की बात कर रहा है। अगर आपने 52 G की जगह यू लगा लिया तो आप देखो आंसर में फर्क आ रहा है ना? जब ग्राम से करते हैं तो Na आएगा, और जब यू से करेंगे तो सिर्फ 13 एटम आएगा। आई होप कि आपको एटॉमिक मास यूनिट, डाल्टन मास और रिड्यूस मास और यू और ग्राम से मोल में डिफरेंस समझ आ गया हो। थैंक यू।